कानपुर के काशीराम कॉलोनी की जनता गंदगी व नाले के पानी से परेशान है। बराबर शिकायतों के बाद भी वार्ड 31 की पार्षद रीता कुशवाहा ने कोई भी कार्य नहीं कराया। बराबर कानपुर की पार्षद रीता कुशवाहा सफाई गंदगी को लेकर अपने वार्ड में चर्चाओं में है। आखिर क्यों नहीं कराना चाहती है अपने ही वार्ड में कार्य को? शिकायतों के बाद आज काशीराम कॉलोनी की जनता शिकायत लेकर पहुंची मंत्री सतीश महाना के यहां। एक बार फिर गंदगी से वार्ड 31 का बुरा हाल कहीं ना कहीं डेंगू मलेरिया भरने का कारण बन रहा है। इस वार्ड में क्षेत्रीय जनता का पार्षद के खिलाफ फूटा गुस्सा। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का है मामला। क्या समस्याएं हैं आपकी काशीराम कॉलोनी में? इतना ज्यादा कचरा भरा हुआ है, इतनी गंदगी भरी हुई है कि बच्चे सयाने सारी इंसान को निकलने में इतनी दिक्कतें हो रही है। दूसरी बात, पानी की सप्लाई की वो भी परेशानी यहाँ चल रही है। लैटिंगे सीवरों की कोई सप्लाई नहीं है कि मतलब दरी में भर रहा है। समझ लो अगर अपने अपने पैसों तो सफाई हो रही टैंकरों की है। ये सब समस्याएं कौन हल कराएगा बताइए? समस्याओं के समाधान के लिए आप किसी के पास गई या नहीं? कुछ बस यहाँ की बस वही एक पार्षद भी हम लोगों ने चुना था, जो हम लोगों से हुआ था उन्हीं के साथ में हम लोग जुड़े चले रहे, मगर उन लोगों ने हम लोगों को हाथी खींच लिया यहाँ के बारे में। कहती मेरे वहाँ को वाकई नहीं लगता, हमारा वहाँ कुछ नहीं जाती। उसके ऊपर आप गई? नहीं, उसके ऊपर नहीं, सिर्फ ऋतु कुशवाहा तक हमारे लोग का हक था, उसी के पास गए थे, मगर उसने कोई हम लोग। आप क्या चाहती हैं? समस्या के समाधान के लिए आप क्या चाहती हैं? अरे यही चाहते हैं सर कि बस सफाई हो जाए, हम लोगों के सारे समस्याएं यहाँ के हल कर जाए। और क्या बता सकते हैं कि आगे हम लोग बोल, क्या समस्या है आप लोगों? समस्या ये है, यहाँ पे जो काशीराम कॉलोनी बनी है वार्ड 31 में, ये बसपा सरकार थी तब यहाँ पे काशीराम अलर्ट की गई थी, और तब से लेकर के आज तक यहाँ पे नालियों में गंदगी भरी पड़ी है, और यहाँ पे आज तक कोई कार्य नहीं किया गया। जब कोई भी सरकार अगर आई है उसमें किसी प्रकार का यहाँ के कार्य नहीं किया। यहाँ पे जो पानी का है, यहाँ पे पानी का बिल्कुल निकास नहीं है नालियों में, जिससे यहाँ पे गंदगियाँ बहुत हो रही हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और इसके लिए हमारे जो क्षेत्रीय पार्षद है रीता कुशवाहा, तो हम लोगों ने उनके पास दो तीन बार अपील किया कि यहाँ पे कार्य कराया जाए, विकास कराया जाए, तो वो तो सीधे ये बोलती है कि हमें काशीराम कॉलोनी से किसी ने वोट नहीं दिया, मैं यहाँ पे कोई कार्य नहीं कराऊंगी। सीधे उन्होंने मना कर दिया इस कार कराने के लिए। तो हम लोग एक बार विधायक जी के पास गए थे इसके लिए, कार्रवाई के लिए, कि हमारे यहाँ के कार्रवाई कराई जाए। उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की थी उस समय, और आज इसीलिए हम लोग सभी क्षेत्रीयगण आज एकत्र होकर आज हम लोग कैबिनेट मंत्री सतीश महाना जी कहाँ पे ज्ञापन दिया, जो ज्ञापन जिन्होंने पीआरओ थे वहाँ के राकेश तिवारी, उन्होंने ज्ञापन को एक्सेप्ट किया है और कल कार कराने के लिए आश्वासन दिया है। संबंधित अधिकारी नगर आयुक्त से आपने इस प्रकरण में कोई बात की कि नहीं? इस प्रकरण में हमने उनसे कोई बात नहीं की है, और हमने जो हमने बात की थी केवल रीता कुशवाहा के जो हमारे क्षेत्रीय पार्षद हैं, तो उनसे कहा गया था, तो और विधायक जी के पास भी गए थे सतीश महाना के पास, तो उन्होंने भी एक बार फोन करके कहा था सुशील कुशवाहा जी से कि यहाँ पे जाकर के कार करो, तो उन्होंने सीधे ये कहा था ये काशीराम अभी नगर निगम में हैंड ओवर नहीं है, तो वहाँ का कोई कार नहीं होगा। तब से लेकर अभी तक इसमें कोई कार नहीं किया गया है, और हम लोग इसी तरीके से परेशान हैं। यहाँ के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, और इसीलिए आज हम लोग सब एकत्र होकर के डेंगू जैसी बीमारियां भी फैल रही हैं। हाँ, यहाँ पे कई बच्चे बीमार पड़े हैं, ऐसी कई बीमारी हुई, किसी को डेंगू की बीमारी हुई, किसी को मलेरिया हुआ, किसी को कुछ हुआ, यहाँ पे इस तरीके से परेशान है हर आदमी, इसीलिए परेशान है। हम लोग आज इसीलिए एकत्र होकर के आज हम लोग ने ज्ञापन दिया है। अब हम लोग को कल आश्वासन दिया है कि कल हमारा ये कार्य कराएंगे, अगर हमारा ये कार्य करना नहीं होता तो फिर हम ऊपर तलक इसकी कार्यवाही करेंगे। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।